हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबियो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं शॉप्सी एप्लीकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये शॉप्सी एप्लीकेशन क्या है, इससे क्या होता है, इससे क्या काम करते हैं, आज मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, शॉप्सी एप्लीकेशन के थ्रू आप ऑनलाइन 8 से 10 हज़ार रुपये मंथली इनकम कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देखें मेरे चैनल वेबियो सपोर्ट। तो फ्रेंड्स, शॉप्सी एप्लीकेशन फ्लिपकार्ट के एक न्यू वर्जन है और इसका इंटरफेस सेम टू सेम आपको फ्लिपकार्ट की तरह ही देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, बस इसमें डिफरेंस इतना है कि इसमें आप रिसेलिंग का वर्क कर सकते हैं और जो फ्लिपकार्ट में आप रिसेलिंग का वर्क नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब रिसेलिंग का वर्क क्या होता है, तो फ्रेंड्स रिसेलिंग का मतलब है कोई भी प्रोडक्ट जो लिस्टेड है शॉपसी में उसको आप दोबारा से किसी अदर कस्टमर को सेल करते हैं, तो उसे ही रिसेलिंग का वर्क कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताना है, अकाउंट क्रिएट करने से लेके रिसेलिंग का वर्क आपको किस तरीके से करना है, मैं पूरा प्रोसेस आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा देखें। तो फ्रेंड्स, किसी भी प्रोडक्ट को किसी अदर कस्टमर को सेल करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं वो आपको ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिसके थ्रू आप किसी अदर कस्टमर को शॉपसी के जो भी प्रोडक्ट हैं उनको आप सेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक पूरा बने, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और इसके सर्च बार में आपको टाइप करना है शॉपसी। शॉपसी टाइप करने के बाद आप इसको सर्च करेंगे, तो जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो इसका एप्लीकेशन आपको यहाँ पर शो करने लगेगा, यहीं से आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो मेरा फ़िलहाल ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल है, तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको इसका इंटरफेस ऐसा नज़र आएगा। इसके बाद सबसे नीचे आपको यहाँ पर 5th नंबर पर अकाउंट का ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद नेक्स्ट पेज ऐसा ओपन होगा, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगी, उस OTP के थ्रू ऑटोमेटिक अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। अकाउंट वेरीफाई होने के बाद आपका अकाउंट आपको यहां पर शो करने लगेगा। इसके बाद आपको यहां पर माई अर्निंग्स का ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहां ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन शो कर रहा है, यहां पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको अपने अकाउंट की डिटेल आपको फिल कर देनी है। तो यहां पर सबसे पहले अकाउंट होल्डर का नेम आप यहां पर फिल करेंगे, इसके बाद अकाउंट नंबर, इसके बाद कंफर्म अकाउंट नंबर, इसके बाद उसका IFSC कोड आपको यहां पर फिल कर देना है। अकाउंट डिटेल फिल करने के बाद नीचे सेव का ऑप्शन है, यहां पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट थोड़ी देर वेरीफाई होने के बाद ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको नीचे साइड 3rd नंबर पर माई बिलिंग डिटेल का ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने जो भी एड्रेस डाला है तो आपको यहां पर आपका नाम, एड्रेस, पिन कोड, सिटी एंड आपका स्टेट यहां पर शो करेगा। अगर आपको इसको चेंज करना है तो यहां अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद 4th नंबर पर माई ऑर्डर्स का ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आपने अभी तक जितने भी ऑर्डर्स किए हैं यहाँ पर आपको डिटेल शो करेगी। इसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको और भी अदर बहुत से ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको इनको चेक कर लेना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको नीचे साइड यहाँ कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कस्टमर सपोर्ट नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो इसके थ्रू आप कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको शॉपसी के ईमेल ID आपको यहाँ पर शो करेगी, तो इसके थ्रू भी आप कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं। इसके बाद बैक आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप शॉपसी में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आपको इसमें रिसेलिंग का वर्क किस तरीके से करना। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको इसके होम पेज में आ जाना है। होम पेज में आने के बाद यहां पर आपको प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेना है।
प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अगेन प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ऐड टू कार्ट के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की डिटेल शो करेगी, यहाँ पर प्रोडक्ट का कितना प्राइस है आपको यहाँ पर शो करेगा। तो आपको यहाँ पर इसको रिसेल करना है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो कर रहा है रिसेलिंग दिस ऑर्डर, यहाँ पर आपको आना है। यहाँ पर आपको नो के ऑप्शन पे सिलेक्ट है, इसको यस के ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। जैसे आप इसमें यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो करेगा फाइनल कस्टमर प्राइस। तो फ्रेंड्स अभी इस कैप का जो प्राइस है 97 रुपीज़ है, और यहाँ पर आप इसको कितने में सेल करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर प्राइस लिख देंगे। तो मैं इसको यहाँ पर 150 के सेल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ 150 डाल दूँगा। 150 मैं यहाँ पर डालूँगा तो मेरी जो अर्निंग होगी 53 रुपये की यहाँ पर होगी। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे साइड प्लेस ऑर्डर का ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका नेम, एड्रेस, पिन कोड, टोटल सब कुछ आपको दिखने लगेगा। इसके बाद अगर आपको इसका एड्रेस नेम चेंज करना है तो यहाँ पर आपको चेंज का ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आप नया कस्टमर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऊपर साइड आपको ऐड कस्टमर का ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कस्टमर का फुल नेम, उसका मोबाइल नंबर, उसका पिन कोड, उसका स्टेट, सिटी और उसका फुल एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करके नीचे साइड सेव एड्रेस का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको कस्टमर का एड्रेस सेव कर सकते हैं। इसके बाद आपको बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर कस्टमर के एड्रेस और कस्टमर के नेम शो करने लगेंगे। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको कस्टमर के नेम और कस्टमर के एड्रेस यहाँ पर शो करने लगेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर कस्टमर को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे डिलीवर्ड हियर का ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना। इसके बाद आपको नीचे साइड कंटिन्यू का ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। कंटिन्यू के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट पेमेंट गेटवे पे चला जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर किस मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर UPI का ऑप्शन दिया गया है, वॉलेट का ऑप्शन दिया गया है, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड के थ्रू आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं और कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद प्लेस ऑर्डर का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चा को फिल कर देना। कैप्चा फिल करने के बाद कंफर्म ऑर्डर के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप शॉपसी में किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बात हो गई कि आपको किस तरीके से शॉपसी में अपना प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि आप अपने ऑर्डर को किस तरीके से कस्टमर को सेल करेंगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के होम पेज में आ जाना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले फेसबुक को डाउनलोड कर लेना है, और फेसबुक को डाउनलोड करने के बाद इसमें आपको एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद इसमें आपको 70 से 80 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करनी है। 70 से 80 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट जैसे ही आप सेंड करेंगे तो कुछ टाइम बाद आपके फेसबुक अकाउंट में ऑटोमेटिक काफ़ी फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाएंगी। इसके बाद आपको उनको एक्सेप्ट कर लेना है। जब आपके फ्रेंड 4000 से 5000 हो जाएंगे तब आपको एक और एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। उस एप्लीकेशन का नाम है मैसेंजर। तो ये फेसबुक का ही एप्लीकेशन है, ये चैटिंग का एप्लीकेशन होता है। तो इसको आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन करेंगे। तो ओपन करने के लिए आप इसमें फेसबुक की आईडी पासवर्ड डालकर आप इसको लॉगिन कर लेंगे।
लॉगिन करने के बाद आपको इसका इंटरफेस ऐसा नज़र आएगा। इसके बाद आप इसमें जितने भी आपके फ्रेंड इसमें एक्सेप्ट किए थे आपकी रिक्वेस्ट को यहाँ पर आपको शो करेंगे। तो जितने भी फ्रेंड आपके ऑनलाइन होंगे यहाँ पर शो करेंगे। तो यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर कस्टमर से डील करके आप सेल कर सकते हो। तो फ्रेंड इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। तो फ्रेंड दूसरा मेथड क्या है, तो दूसरे मेथड में आपको ऊपर साइड एक पेंसिल का आइकन शो कर रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद नीचे साइड क्रिएट ए न्यू ग्रुप चैट का ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको आपके फ्रेंड्स शो करने लगेंगे। यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप जितने भी फ्रेंड्स ऐड करेंगे आपको यहाँ पर ऊपर ऐड होते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स ऐड करने के बाद आपको ऊपर से नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पे जैसा ओपन होगा यहाँ पर आपको ग्रुप का नेम यहाँ पर आपको लिख देना है। और यहाँ पर एक ग्रुप का नेम देने के बाद ऊपर साइड क्रिएट का ऑप्शन शो कर रहा है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका ग्रुप मैसेंजर में एक बन जाएगा। ग्रुप बनने के बाद आपको यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर देना है। तो जो भी शॉपसी का प्रोडक्ट है आपको यहाँ पर लिस्ट कर देना है। तो डायरेक्ट आप गैलरी से प्रोडक्ट उठा लेंगे। उठाने के बाद आप इसको यहाँ पर सेंड का ऑप्शन इस पर क्लिक कर देंगे, तो आपका ये प्रोडक्ट है आपके ग्रुप में लिस्टेड हो जाएगा। इसके बाद आपको इसके बारे में कुछ डिटेल लिख देनी है। डिटेल लिखने के बाद आपको इसका प्राइस भी यहाँ पर मेंशन कर देना है। प्राइस मेंशन करेंगे, इसके बाद जितने भी आपके जो फ्रेंड्स हैं इस प्रोडक्ट को देखेंगे, किसी को ये पसंद आएगा तो ये आपको ऑर्डर करेगा। तो इस तरीके से आप इसमें भी कस्टमर को डील करके ऑर्डर ले सकते हैं।